दोस्तों मोबाइल टेक्निकल गुरु में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप जियो मोबाइल फोन चलाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको जियो फोन के ऐसे खतरनाक खुफिया कोड के बारे में बताने वाला हूं जो आप नहीं जानते हैं। अगर इस कोड को सीख लेते हैं ना तो घर बैठे आप किसी भी जियो फोन का सब कुछ चेक कर सकते हैं कि मोबाइल फोन में क्या खराबी है। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लाइक कर दें और इस वीडियो को सभी ग्रुप में शेयर कर दें। यदि हमारे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो प्लीज इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के बगल में जो घंटी का आइकन देख रहे हैं इस पे भी क्लिक करके आल वाले बटन पे दबा दें, ताकि जब भी कोई इस टाइप का वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फोन पे सबसे पहले जाए। तो दोस्तों ज्यादा देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप मौर्य। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जियो मोबाइल फोन है, ठीक है। यहाँ पे हम आपको जूम कर देते हैं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अब दोस्तों यदि आपके मोबाइल फोन में कोई भी पार्ट खराब हो तो उसे आप कैसे चेक करेंगे? दोस्तों यदि आप कोई नया फोन खरीदते हैं या कोई पुराना फोन खरीदते हैं तो ये कोड आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, तो ध्यान से इस कोड को देख लीजिएगा। दोस्तों इसके लिए आपको यहाँ पे कोड डायल करना पड़ेगा, स्टार, ध्यान से देखिएगा, स्टार हैश 2886 हैश। जैसे इस कोड को आप डायल करेंगे यहाँ पे कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा और यहाँ पे आप सब कुछ अपने मोबाइल फ़ोन का चेक कर सकते हैं। जैसे अब मान लीजिए आपको चेक करना है कि आपका स्पीकर काम कर रहा है कि नहीं, आपका डिस्प्ले ओरिजिनल है कि लोकल है, सब कुछ अपना माइक तक अपना सारा कुछ डिटेल्स यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेनू पे हमें क्लिक करना है, क्लिक करने के लिए हमें जियो बटन को प्रेस करना है। चलिए यहाँ पे जियो बटन पे प्रेस करते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ऑडियो टेस्ट कर सकते हैं, आपकी जो आवाज़ है उसे आप टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, माइक की टेस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सारा कुछ दिया गया, आप एक एक करके सब कुछ चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों मान लीजिए आप एग्जांपल के तौर पे हम आपको समझाते हैं कि आप किसी भी दुकानदार से यदि ये डिस्प्ले लगाते हैं तो उसे आप कैसे चेक करेंगे कि ये लोकल है कि ओरिजिनल है। तो इसकी पहचान यहाँ पे आप ओके करेंगे, ठीक है, ये कोड डालने के बाद इस डिस्प्ले पे ओके करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं ये ब्लिंक करेगा, इस टाइप का ब्लिंकिंग करेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यदि ओरिजिनल डिस्प्ले है तो यहाँ पे इस टाइप का कलर आता है, तो समझ लीजिए कि आपका जो जियो फोन का डिस्प्ले लगा हुआ है वो ओरिजिनल है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे ओके होगा ये पास बता करके बाहर आ जाएगा, ठीक है, बहुत ही कमाल का ट्रिक है। दोस्तों यहाँ पे कीपैड की टेस्टिंग कर सकते हैं, यदि आपके मोबाइल फ़ोन में बटन नहीं काम करता है तो यहाँ पे क्लिक करके आप बटन को भी एक एक करके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये सारा नंबर का डिटेल्स यहाँ पे दे रहा, आप एक एक करके चेक कर सकते हैं, ठीक है, आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। दोस्तों और नीचे आएंगे तो यहाँ पे बैक लाइट का जो टेस्टिंग है वो चेक कर सकते हैं कि आपके मोबाइल फ़ोन का जो बैक लाइट है वो सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं, तो यहाँ पे क्लिक करके आप उसे भी चेक कर सकते हैं। दोस्तों इसके साथ ही साथ आप मेन कैमरा का भी टेस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है, जो फ्रंट कैमरा आता है जियो फोन में उसकी भी टेस्टिंग यहाँ पे कर सकते हैं। देख सकते हैं सारा कुछ यहाँ पे एक एक करके चेक कर सकते हैं, आपको मोबाइल फ़ोन किसी को चेक कराने की ज़रूरत नहीं, आप इस कोड के माध्यम से सारा कुछ आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे फ्लैश लाइट टेस्ट को चेक कर सकते हैं, आरटीसी टेस्टिंग कर सकते हैं, यहाँ पे सब कुछ आप यहाँ से जो मोबाइल फ़ोन में मोटर लगा हुआ है, वाइब्रेशन मोटर लगा हुआ, उसे भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। आप इस तरीके से आपके मोबाइल फ़ोन में जितने भी ऑप्शन हैं उन सभी को इस कोड के माध्यम से चेक कर सकते हैं, एफएम की टेस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे चार्जिंग की भी टेस्टिंग कर सकते हैं कि आपके मोबाइल फ़ोन में जो चार्जिंग सर्किट लगा हुआ है वो सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं, वो उसका भी यहाँ पे आप चेकिंग कर सकते हैं। बहुत ही कमाल का ये कोड है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं सिम की टेस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है, माइक्रो एसडी कार्ड का जो वहाँ पे सॉकेट लगा हुआ है जियो फोन में उसकी यहाँ पे टेस्टिंग कर सकते हैं। दोस्तों इस तरीके से आप बैटरी की भी टेस्टिंग कर सकते हैं कि आपके मोबाइल फ़ोन की जो बैटरी है वो ओरिजिनल है कि लोकल है, उसकी भी यहाँ पे टेस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। आप इस तरीके से आप अपने मोबाइल फ़ोन में जो वाईफाई लगा हुआ उसकी भी टेस्टिंग कर सकते हैं कि आपके मोबाइल फ़ोन में जो वाईफाई का जो डिवाइस लगाया गया है वो सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं, उसकी भी टेस्टिंग कर सकते हैं। दोस्तों इस तरीके से आप अपने ब्लूटूथ का भी टेस्टिंग कर सकते हैं, जीपीएस
टेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों बहुत ही कमाल का ट्रिक है, आप इस ट्रिक को ज़रूर अपने मोबाइल फ़ोन में एक बार इस्तेमाल करके देखिएगा। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को सभी ग्रुप में शेयर कर दीजिए। यदि हमारे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के बगल में जो घंटी का आइकन है उस पर भी क्लिक करके आल वाले बटन पे दबा दें ताकि जब भी कोई इस टाइप का वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे सबसे पहले जाए। दोस्तों मिलते हैं कुछ नई वीडियो के साथ, आपका दिन शुभ हो।